हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिरेन क्रिएशन एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर काहून ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज के काहून ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग जो नवरात्रि में जो कि मोस्ट कॉमन बीट है गरबा की, तीन ताली, वो सीखने वाले हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम लोग नवरात्रि में जो तीन ताली पैटर्न प्ले होता है वो सीखने वाले हैं। और ऑलरेडी मैंने नवरात्रि में गरबा कैसे प्ले करना या फिर काउन पे गरबा कैसे प्ले करना उसका ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था। तो अगर आप लोग ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और यहाँ पे आप लोग को आई बटन में भी मिल जाएगी, तो वो वाला वीडियो भी जरूर देखना आप लोग। और आज हम लोग टोटल तीन ताली के हम लोग तीन बीट सीखने वाले हैं और एक फिलर सीखने वाले हैं। और ये जो सीखने वाले हम लोग जो भी बीट और पैटर्न है वो मैं पहले आप लोगों को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। वीडियो में हम लोग यही तीन ताल के जो तीन बीट्स है वो सीखने वाले हैं और साथ में एक फिलर है वो सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं और भी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगा। और साथ में ये वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और आपको कोई भी डाउट है या फिर क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में आप लोग कर सकते हो। मैं आपके जो भी डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा वहीं पे कमेंट में। और अगर आप चाहो तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम की लिंक भी दी है, तो वहां पे आप लोग इंस्टा पे मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं आपका जो भी डाउट है या फिर कोई भी अगर आपकी रिक्वेस्ट है कि कोई भी सॉन्ग का रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर आप लोग का वो रिक्वेस्ट भी कंप्लीट करूंगा और ट्यूटोरियल वीडियो लेके आऊंगा। तो आप लोग साथ में जो हमारा सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, तो आप लोग को हमारे जो भी नया सॉन्ग कवर आएगा या फिर ट्यूटोरियल आएगा वीडियो, तो उसकी लिंक आप लोग को मिल जाएगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का ये जो बीट है वो कैसे प्ले करना है। तो ऑलरेडी मैंने मेट्रोनोम के साथ कैसे प्ले करना है, फिर बेस का साउंड, घोस्ट नोट और स्नेयर का साउंड कैसे प्ले करना है उसको मैंने आप लोग को सिखाया था। तो अगर आप लोग ने वो वाली वीडियो नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट के लिए वीडियो की लिंक मैंने आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और यहाँ पे आई बटन में आप लोग को मिल जाएगी, तो वो आप लोग जरूर देख लेना। और हम लोग इसको भी क्लासिकल बोल के हिसाब से सीखेंगे तो आप लोग इजीली समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो हम लोग का जो पहला वाला बीट है ना उसके जो बोल है वो है दिन्ता, 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 ता, ता, दिन्ता, 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 ता, ता, दिन्ता, ये बोल है। और इसमें हम लोग को है ना धिन कैसे प्ले करना है आप लोग को पता है, बेस के साथ हम लोग को घोस्ट नोट का साउंड अगर साथ में प्ले करेंगे तो हमारा धिन हो जाता है, धिन वो हो गया। और हम लोग का जो ता है वो आप लोग को पता है स्नेयर का साउंड रहेगा। और इसमें एक लास्ट में जो तातिट ता है ना वो हम लोग को प्ले करना है। तो अगर आप लोग ने देखा रहेगा मेरा लास्ट वीडियो गरबा का ट्यूटोरियल वीडियो, तो उसमें आप लोग ने देखा रहेगा ताकिड़ता तिकता था उसी तरीके से, लेकिन उस तरीके से हम लोग नहीं प्ले करेंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, वैसे भी प्ले कर सकते हैं और एक अलग टेक्निक भी है, तो मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो पहले तो ये जो बोल है वो आप लोग को यहाँ पे दिख गया रहेगा, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में हम लोग को तीन बार जो है वो क्या प्ले करना है, दिन्ता, 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 ता, स्टार्टिंग में ये प्ले करना है। दो बार हम लोग को दिन्ता, दिन्ता, उसके बाद हम लोग को दिन्ता, ता, ये प्ले करना है। तो पूरा कैसे, उसके बाद हम लोग को ता ये प्ले करना है। ये थोड़ा सा फास्ट आएगा और इसके जो बोल है वो ता तिट ता है, तो ता आप लोग को पता है और तिट उसमें हम लोग को घोस्ट नोट प्ले करना है। आप अलग अलग हैंड से भी यूज कर सकते हो जैसे कि राइट लेफ्ट, बट उससे क्या होगा ना वो जो फील होता है एक ये जो ग्रूव है यानी कि ये जो बीट है उसका फील वो नहीं आएगा। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा जो तिट है वो दोनों आप लोग राइट हैंड पे रखो, तो वो कैसे होगा ता तिट ता, वापिस से ता हम लोग को लेफ्ट हैंड पे लेना है। आप लोग चाहो तो ताकिड़ता ऐसे भी प्ले कर सकते हो जैसे कि गरबा में हम लोग ताकिड़ता प्ले कर रहे थे, बट वो फील नहीं आएगा। इसके लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि ताकिड़ता इस तरीके से प्ले करिए। और इसका जो है ना पहले हम लोग स्लो में रियाज करेंगे घर पे कभी भी, ताकिड़ता
फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम लोग को स्लो से लेके फास्ट तक रियाज करना है, तो ये हम लोग का ताकि जो का है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग क्योंकि जितने भी बोल है इसमें जो भी पैटर्न है उसमें ये ज्यादातर यूज हो रहे हैं, और ये जो ताकि टत्ता है ना ये ढोल का एक्चुअली जो चाटी का साउंड होता है ना वो है ताकि टत्ता। तो इसके लिए अगर आप लोग कोई ऐसा म्यूजिक देख रहे हो जिसमें तीन ताली प्ले हो रही है उसमें अगर आप लोग को ताकि टत्ता साउंड आ रहा है तो आप लोग को प्ले करने के लिए इजी होगा, इसके लिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। तो एक बार मैं आप लोग को पूरा बीट है वो स्लो से फास्ट में प्ले करके दिखाता हूँ कैसे वो। और भी थोड़ा स्लो में प्ले करके दिखा था आपको। तो अगर आप लोग नए एकदम काउन पे या फिर अगर क्लासिकल भी आप लोग को इतना नॉलेज नहीं है तो अगर आप चाहो तो ताकि ता की जगह पे हम लोग ता ये भी प्ले कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो हम लोग का इसी तरीके से प्ले होगा। इस तरीके से भी आप लोग प्ले कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप जो म्यूजिक सुन रहे हो उसमें आप लोग को ध्यान से सुनना है कि क्या बजा है लास्ट का पार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग का जो तीन पार्ट है इसका वो सेम ही रहता है धिनता 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 ता, उसके बाद जो वेरिएशन होता हो तो या तो फिर उसमें ता होता है या फिर होता है। तो मैंने आप लोग को दोनों बता दिया तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि यही वेरिएशन होता है। और एक वेरिएशन होता है इसमें वो कैसा रहता है ना कि रोटो पे प्ले होता है तो सेम ही प्ले होता है वो भी यहाँ तक सेम होता है। फिर क्या होता है ना ताती टा की जगह पे ना चार बार रहता है ना तो ताती टा ये चार बोल हो गए तो वहां पे क्या करना रहता है दो बार स्नेर और दो बार बेस साउंड हम लोग को प्ले करना है। तो ये इस तरीके का साउंड आ जाएगा अगर आप लोग देख सकते हो कैसा साउंड आ रहा है। तो ये मोस्टली रोटो पे प्ले होता है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है रोटो तो आप लोग काउन पे भी ये प्ले कर सकते हो। तो एक बार मैं आप लोग को ये भी प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये आपका जो भी डिपेंड करता है ना कि आप जो साउंड सुन रहे हो यानी कि जो भी म्यूजिक सुन रहे हो उस पर आप लोग को ध्यान से सुनना है कि क्या बजा है, तिट्टा बजा है लास्ट में या फिर ताकि टट्टा बजा है या फिर रोल बज रहा है पूरा जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया वो, तो वो आप लोग को ध्यान से सुनना है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और भी इसमें जो वेरिएशन है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और इसमें और एक अगर आप चीज चाहो तो कर सकते हो, जब हम लोग ये वाला पोर्शन बजा रहे हम लोग लास्ट का तो वहां पे क्या करेंगे हमारा जो ये पैर है लेफ्ट हैंड वो हम लोग यहाँ पे काउंट पे रख देंगे और उसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो एक अलग सा साउंड आ जाएगा, बेस का साउंड है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग बेस का साउंड दे सकते हो थोड़ा सा चेंज हो गया है। और आप उसको बेस अगर विदाउट पैर को टच किया अगर बजाओगे तो इस तरीके से साउंड आएगा, बेस का लाउड साउंड आएगा। और अगर आप पैर यहाँ पे दबाव के नीचे लोगे तो आपका जो साउंड है बेस का वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और एक गमक आ जाएगी उसमें जो कि हमारे ढोलक में ढोल में इसमें गमक होती है वो तरीके गमक का साउंड भी आ जाएगा। तो ये कैसे प्ले करना है हम लोग को, आप बोल जो है वो सेम ही है दिनता 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 ता ता तिटता, सिर्फ फर्क क्या है कि अगर आप लोग को अगर कोई ऐसा म्यूजिक सुनने में आ रहा है जिसमें सिर्फ ढोल का साउंड ही आ रहा है तो उसमें हम लोग ये प्ले कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो वहां पे वेरिएशन कर सकते हैं जो कि मैंने आप लोग को बताया रोटो का वेरिएशन होता है, और उसमें भी अगर आप चाहो तो एक गमक वाला जो वेरिएशन है वो भी कर सकते हैं। तो मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो कैसे है ना कि मेरे को अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा इसके लिए, आपके साथ जो है मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो सारी नॉलेज मैं आप लोग को दे दूंगा, क्योंकि जो म्यूजिक है वो एक्चुअली बांटना रहता है क्योंकि वो जो म्यूजिक रहता है वो हमारा खुद का पर्सनल नहीं रहता है। ये मैंने हमारे गुरु से सीखा था, जो मेरे गुरु है गौरव मुरकर सर, उन्होंने मुझे सबसे पहली चीज यही सिखाई थी कि म्यूजिक जो है वो हमारा
दौलत नहीं है या फिर हमारी संपत्ति नहीं है, इसे हमें आगे चल के दे ही देना होता है। तो मुझे आज भी देना है, बाद में भी ये आप लोगों को सिखाना है, तो इसके लिए मैं आज ही आप लोगों को ये टिप्स दे दे रहा हूँ। तो जितने भी वेरिएशन मैंने यहाँ पे तीन दिखा है ना, तीनों में आप लोग कर सकते हो ये। और जो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड बीट उस पर हम लोग आते हैं। तो वो कैसे, उसमें सेम ही है, सिर्फ हम लोग को स्टार्टिंग में ताता प्ले करना है। कैसे, दिन ता सिर्फ स्टार्टिंग में हम लोग कैसे प्ले कर रहे थे, दिन ता उसकी जगह पे दिन ता। तो वो बोल आपको यहाँ पे दिख गए रहेंगे, लिख के आगे रहेंगे, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कैसे प्ले करेंगे हम लोग, तीन आपको पता है, फिर ताता, ये थोड़ा ताता फास्ट बजेगा, ताता फिर ताता ताता फिर ताकिटता मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, ताकिटता इसी तरीके से प्ले करोगे तो ही वो फील आएगा और सुनने में अच्छा लगेगा। तो एक बार मैं आप लोग को स्लो से फास्ट में बताता हूँ कैसे प्ले करना है। जैसे कि पहले बीट में बताया था, अगर आप लोग बिगिनर है तो आप तिक्ता ले सकते हो। तो वो कैसे प्ले करना है, तो ये आप लोगों को मैं बता दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिगिनर लोग हैं जो मतलब अभी अभी नया काउंट सीख रहे वो लोग ही प्ले करें। कुछ कुछ ऐसे म्यूजिक है जहां पे हम लोग को ताकिटता नहीं प्ले हुआ है या फिर रोल नहीं प्ले हुआ है, तिक्ता प्ले हुआ है। अगर मैं देखने जाऊं तो मैंने ऑलरेडी एक ढोल कवर किया था, दशमा का सॉन्ग था, तो उसमें तिक्ता ही बज रहा था। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आई बटन में आप लोग को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग म्यूजिक जो है वो ध्यान से सुनोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या वेरिएशन बजाए, क्या पिकअप बजाए, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मैंने आप लोग को ताकिटता भी दिखा दिया और तिक्ता भी दिखा दिया। अगर आप लोग को रोटो के जो मैंने दो वेरिएशन बताए थे वो भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ स्लो से फास्ट में। तो वो कैसे है, और गमक वाला जो मैंने आप लोगों को दिखा था वो भी एक बार आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। हम लोग को क्या करना है ना, हमेशा याद रखना है जो पैर है ना वो थोड़ा सा आगे ही रखना है ताकि हम लोग को मूवमेंट मिल सके वहां पे लाने के लिए काउंट तक, और ऊपर से नीचे करने के भी मूवमेंट इजीली मिले। और जो पैर है ना वो हम लोग को फोर्थ पार्ट में यानी कि दिन ता यहाँ पे हम लोग को उठाना है और बाद में लेके आना है। तो इजिली आप लोग वो गमक प्ले कर पाओगे। एक बार वापिस से स्लो में दिखाता हूँ मैं, इस तरीके से हम लोग को प्ले करना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड बीट, और अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे बीट की तरफ। तो ये जो तीसरा बीट है ना वो एकदम सेम सिमिलर टू सेकंड बीट है। इसका जो बोल है वो है दिन ता ता दिन ता 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 किटता। इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग सेकंड में क्या कर रहे थे, दिन ता जो दिन ता प्ले कर रहे हैं वहां पे दिन ता की जगह पे दिन दिन लगाना और कुछ नहीं करना है, यानी कि बेस ऐड करना। तो वो कैसे करना है हम लोग को, दिन ता मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा है कैसे प्ले करना है ताकिटता। तो वापिस से स्लो में एक बार आपको दिखाता हूँ, ये समझ में आ गया। और जो वेरिएशन मैंने आप लोगों को सिखाया है तिक्ता या फिर रोटो का वेरिएशन, फिर उसी में गमक का वेरिएशन, तो वो भी मैं आप लोगों को एक बार सारे स्लो से फास्ट में दिखा देता हूँ कैसे होते हैं इसमें प्ले। ता 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 ता
तो ये होगा हम लोग का फर्स्ट वेरिएशन, और जो सेकंड है वो कैसे प्ले होगा, जो गमक वाला पार्ट था वो कैसे प्ले होगा, आप लोग को सारे वेरिएशन बता दिए उसमें कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग को खाली जो साउंड है वो सुनना है, तो मैं आप लोग को अगर चाहो तो मैं आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे ना गरबा नॉनस्टॉप, तो उसमें जो झनकार करके गीता रबारी का जो है गरबा का नॉनस्टॉप झनकार, झनकार 2, झनकार 3.0, उसमें मोस्टली यही सारे बीट बजे। या फिर अगर आप चाहो तो किंजल दवे जी का जो किलोल है वो यूज कर सकते हो, किलोल 2.0 है, क्योंकि उसमें यही सारे बीट प्ले हुए हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए एक बैकग्राउंड में म्यूजिक भी मिल जाएगा, तो और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। चाहो तो आप कवर सॉन्ग भी कर सकते हो उसके ऊपर, और अगर आप चाहो तो जो गीता रबारी का फेमस सॉन्ग है टेटुडो सॉन्ग है, उसका टेटुडो 2.0 भी आया है, उसमें भी यही बीट सारे प्ले हुए, इसी तरीके के बीट प्ले हुए। और फिर अभी मैंने जो मारो सांवरियो जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया था उसमें भी यही पैटर्न बजा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे गरबा के सॉन्ग है जिसके अंदर ये तीन ताली पैटर्न प्ले होते हैं। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी गरबा भी सिखा दिया था, तीन ताली भी सिखा दिया था। अगर आप लोग ने ये सीख लिया ना तो आप लोग को ऑलमोस्ट 60-70% तो आप लोग को गरबा प्ले करना आ गया है। और इसमें ना मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को जब प्ले किया था उसमें मैंने एक फिलर भी प्ले किया था। वो कैसे प्ले किया था, उसमें हम लोग को क्या करना है, उसके जो बोल है वो यहाँ पे आप लोग को दिख गए रहेंगे। तो वो कैसे है, वो उसके बोल है ता तिटे ता तिटे ता तिटे ता तिटे धा तिटे धा तिटे धा तिटे धा तिटे धा। चार बार हम लोग को क्या करना है, तातीटा ये प्ले करना है चार बार, और फिर हम लोग को चार बार धातीटा करना है। तो यानी कि हम लोग को जो मेट्रोनोम में 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा, तो उसके पहला जो 1 और 2 है वहां पे हम लोग को तातीटा 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 तातीटा, और जो हम लोग का थर्ड और फोर्थ आएगा मेट्रोनोम में क्लिक उसमें क्या करना रहेगा, धातीटा ये प्ले करना रहेगा। कैसे, मैं एक बार आपको मेट्रोनोम के साथ भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से प्ले करना है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, जैसे कि मैंने आप लोग को ता बताया, हम लोग का ये स्नेयर का पार्ट रहेगा। टीट जो है इसमें भी मैं आप लोग को बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि टीट है वो इसी हाथ से, दोनों हाथ से प्ले करें, राइट हैंड से टीट टीट, तो वो एक फील आता है, जो फिलर का जो फील है ना वो अच्छे से सुनने में आएगा और लोगों को अच्छा लगेगा। तो वो कैसे प्ले करने, चार बार हम लोग को तातीटा प्ले करना है, फिर हम लोग को चार बार बेस प्ले करना है। तो मैं पूरा आप लोग को फिलर एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। मैं अभी आप लोग को ये जो फिलर है वो पूरा प्ले करके बाद में पैटर्न कैसे प्ले करना है वो भी बताता हूँ आप लोग को। एक बार और स्लो में प्ले करके दिखाता हूँ आप लोग को। समझ में आ गया रहेगा ये फिलर कैसे प्ले करना है। तो मैं सब जगह पे यही फिलर प्ले कर रहा था, तो मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को एक फिलर और तीन जो वेरिएशन है बीट के वो सिखा दिए। तो आप लोगों को ये कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में बता देना, तो मैं वहां पे भी सॉल्व कर दूंगा आपके डाउट। और जैसे कि मैंने बताया था इंस्टा पे डीएम करोगे तो भी वहां पे मैं आप लोग के डाउट जो है वो सॉल्व कर दूंगा। और इसके और भी वेरिएशन है, क्योंकि इतने ही नहीं है, तीन और भी बहुत सारे 5-6 वेरिएशन है मेरे पास। तो अगर आप चाहो
तो मुझे कमेंट कर देना है कि हमें और इसका वेरिएशन के पार्ट भी चाहिए, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जल्दी, क्योंकि आज के बाद हम लोग जो अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है वो कवर सॉन्ग आने वाला है, क्योंकि नवरात्रि नजदीक आ रही है, तो मैं ढोल कवर करने का ट्राई करूंगा और काउन कवर करने का कुछ ट्राई करूंगा, तो मैं उसके वीडियोज पे वर्क कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा कवर सॉन्ग्स आने वाले है। बट अगर आप लोग को ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, ये बीट अच्छी लग रही है और इसके वेरिएशन आप लोग को और चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं फटाफट अगर बीच में ही कवर सॉन्ग को स्टॉप करके आप लोग के लिए जो है इसका पार्ट टू भी लेके आऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर देना, और ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए वो सब्सक्राइब करना, और आपको मिलते हैं जल्दी नए काउन वीडियो पे। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।